इस वातावरण में बहुत सारा नाइट्रोजन है, फिर भी पेड़ पौधे उसे नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो इस नाइट्रोजन को पेड़ पौधों के इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए मिट्टी में बहुत सारी बैक्टीरिया पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिलकर इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती हैं और ये नाइट्रेट हमारा प्लांट इस्तेमाल कर पाता है। और बचे हुए नाइट्रेट या किसी और सोर्स से आए हुए नाइट्रेट को डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस से नाइट्रोजन गैस में बदल देती है, इसलिए ताकि नाइट्रोजन की लेन देन की जो साइकिल है वो हमेशा चलती रहे। दलहन फसल जैसे कि मटर की जड़ों में रूट नोड्यूल पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए गेहूं और मटर को साथ में उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बेहतर रहती है।